आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 1334 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। वहीं कई आईएएस अफसर भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 554, हरिद्वार में 408, नैनीताल में 114, उधमसिंह नगर में 89, पौड़ी में 70, टिहरी में 56, रुद्रप्रयाग में 9, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत जिले में 7-7, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिले में 3-3 संक्रमित मिले, जबकि एम्स ऋषिकेश और श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 3-3, मैक्स हॉस्पिटल में 1 मरीज की मौत हो गई। प्रदेश में 1767 मरीजों की मौत हो चुकी है। उधर सचिवालय में 4 नौकरशाह कोरोना संक्रमण की जद में आए हैं। देश को मिला तीसरा टीका स्पुतनिक, संक्रमण में ब्राजील से भी बदतर भारत। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच कोविशील्ड व कोवैक्सीन के बाद देश को तीसरा टीका जल्द ही मिलने वाला है। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने 3 बार आवेदन रद्द करने के बाद सोमवार को हुई एक बैठक में रूस के स्पुतनिक वी टीके के आपात इस्तेमाल की सिफारिश की। अब भारत के औषधि महानियंत्रण से मंजूरी मिली तय है। वहीं संक्रमण के कुछ मामले में भारत ब्राजील को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। पहली बार सक्रिय मामले 12 लाख के पार पहुंच गए हैं। ठीक होने की दर 90% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार सुबह तक बीते एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 1,68,912 नए मामले सामने आए। महामारी के बीच लाखों ने लगाई डुबकी। तो कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर हरिद्वार में अखाड़ों की पेशवाई के साथ आस्था का सैलाब उमड़ा। कुंभ की तुलना मरकज से न करें। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कुंभ के आयोजन की तुलना दिल्ली में पिछले साल हुए मरकज के कार्यक्रम से नहीं की जा सकती। उन्होंने दावा किया कि शाही स्नान के दौरान कोविड 19 के लिए तय सुरक्षा मानकों का 100% पालन कराया गया। रमजान महीना कल से शुरू होगा। तो राजधानी सहित देश के किसी हिस्से में भी चांद नहीं दिखाई देने से अब रमजान का महीना 14 अप्रैल से शुरू होगा। शादी में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। तो प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या फिर निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने अब कंटेनमेंट जोन से बाहर होने वाली शादियों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की सीमा निर्धारित की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट एक सप्ताह तक बंद रहेगा। तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए हाईकोर्ट को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया। इस दौरान हाईकोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट के वादों में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। उत्तराखंड में यूपी गुजरात से तेज होने लगा संक्रमण। तो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य में संक्रमण की स्थिति चिंताजनक ढंग से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मरीजों की तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो राज्य में नए मरीजों के लिहाज से औसतन यूपी और गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। यदि संक्रमण की स्थिति यही बनी रही तो आने वाले दिनों में राज्य के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। 11 दिन में ही आ गए 4 महीने जितने मरीज। तो राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण की गति बहुत तेज है। राज्य में जब पिछले साल 15 मार्च को जब कोरोना संक्रमण शुरू हुआ था तो 5000 मरीजों का आंकड़ा छूने में पूरे 4 महीने लग गए थे। 15 जुलाई के आसपास राज्य में कुल मरीजों की संख्या 5000 के आसपास थी, लेकिन दूसरी लहर में इतनी संख्या में नए मरीज महज 11 दिन में ही आ गए हैं। गढ़वाल से आने वाले वाहन दून होकर जाएंगे यूपी दिल्ली। तो गढ़वाल से आने वाले वाहन वाया हरिद्वार नहीं देहरादून होते उत्तर प्रदेश दिल्ली जाएंगे। कुंभ के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उत्तराखंड में 3 दिन बारिश की संभावना। तो राज्य में बुधवार से 3 दिन बारिश के आसार हैं, जबकि मंगलवार को पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय बादल छाए हुए थे। राजधानी दून में भी हल्के बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने की वजह से सोमवार को राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मंगलवार को भी मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय होने से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में दोपहर बाद हल्की बारिश हो सकती है। सेना भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जासाजों ने सेना में भर्ती कराने के नाम पर 12 युवकों से करीब 40 लाख रुपए ठग लिए। पिथौरागढ़ के टुल्लू में बिगड़ी पानी की सप्लाई। तो नगर के कई स्थानों में टुल्लू पंप लगाकर पानी खींच रहे लोग। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को, तो 15 से 22 फरवरी तक सेना छावनी रानीखेत में जो सेना भर्ती में पास अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को 10 बजे पिथौरागढ़ के जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल में होगी।
बीएसएनएल ने दिया धोखा, सैकड़ों के फोन ठप हो गए। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है, लोहाघाट से पत्नी को प्रताड़ित करने पर केस दर्ज। तो दहेज की खातिर पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने नानकमता निवासी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दो टीके लगवाकर भी सीडीओ संक्रमित। तो कोविड के दो टीके लगाने के बाद भी सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आते ही सीडीओ होम आइसोलेट हो गए। एंटीजन टेस्ट में डीएफओ मयंक शेखर झा भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बेकाबू हो रहे कोरोना से चंपावत प्रशासन अलर्ट हो गया है। मुंशियार से खबर है, तहसीलदार के आश्वासन पर भी नहीं माने ग्रामीण। तो सीलिंग खरतोली में ग्रामीणों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। नाबालिग से दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा। तो पिथौरागढ़ से खबर है, सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को नाबालिग दसवीं कक्षा की छात्रा से दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। लोहाघाट बाराकोट में रात भर धधकते रहे जंगल। महिला को सपना आने के बाद की गई खुदाई। तो चंपावत से खबर आई है, भाजयुमो नगर अध्यक्ष गौरव पांडे भी सूचना मिलने पर सोमवार को चैकुनी गांव पहुंचे। गौरव के मुताबिक ग्रामीण ने उन्हें बताया कि इस स्थान पर गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि दो मंदिर हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी खोज नहीं की। इधर तीन दिन पूर्व अनीता देवी नाम की एक महिला को रात में स्वप्न में एक देवी के दर्शन दिए। देवी ने स्वप्न में अनीता को बताया कि संबंधित स्थान पर एक प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। हालांकि नींद से जगने के बाद अनीता ने स्वप्न वाली बात को हल्के में लिया था। फिर उसके बाद अनीता के पुत्र सागर मेहर को भी कुछ ऐसे ही संकेत मिलने लगे। इसे देखते हुए सोमवार को ग्रामीणों ने संबंधित स्थान पर खुदाई की तो स्वप्न वाली बात एकदम सच निकली। तो चंपावत के चैकुनी बोरा गांव में खुदाई के दौरान एक मंदिर निकला है। मंगल ही मंगल अश्व पर आएंगी मंगला। घाट स्थापना सुबह 5:43 से। तो मां भवानी की आराधना का विशेष पर्व नवरात्र का शुभारंभ 13 अप्रैल से हो रहा है। पूर्णागिरि धाम में आज से चैत्र नवरात्र का मेला। तो पूर्णागिरि धाम में आज से नवरात्रों का मेला शुरू होगा। चैत्र नवरात्रों के लिए मेला प्रशासन, पुलिस और मंदिर समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज से शुरू होगा 3 दिवसीय मेला। तो थल में व्यापार संघ अध्यक्ष बलवंत सत्याल ने बताया कि मंगलवार से 3 दिवसीय बैसाखी मेले का आयोजन किया जाएगा। वही खबर आई है, उधमसिंह नगर से जिले में 112 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो दो कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद काशीपुर नगर निगम को बंद कर दिया गया। दलित परिवार के घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास। तो भाजपुर से खबर आई है, दलित परिवार के घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। हरिद्वार में आखिर किन रास्तों से आए 31 लाख श्रद्धालु। तो पुलिस प्रशासन की ओर से शाही स्नान पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 31,23,000 बताई गई है। प्रशासन के आंकड़े में कई झोल दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश घाट पूरी तरह से खाली थे, हालांकि हर की पेड़ी पर अधिक भीड़ रही। अन्य घाटों को देखकर 31 लाख के आंकड़ों पर भरोसा नहीं होता। हरिद्वार कुंभ में कोरोना के नियम दरकिनार। तो हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर लोगों को बिना जांच नहीं आने दिया जा रहा। राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी सख्ती झेलनी पड़ रही है। वहीं कुंभ में शाही स्नान में जनता ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रखी है। मेला प्रशासन भी श्रद्धालुओं से कोविड नियमों का पालन नहीं करवा पाया। देहरादून से खबर है, 3 घंटे से यहाँ बैठी हूँ, कब भर्ती हो पाऊंगी। तो कोरोना मरीज की आमद से दून अस्पताल में व्यवस्थाएं चरमरा गई। उत्तराखंड में अगले साल से आर्थिक संकट बढ़ेगा। तो जीएसटी व्यवस्था के चलते प्रदेश में राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिल रही प्रतिपूर्ति जून 2022 में बंद हो जाएगी। ऐसे में यदि अभी से राज्य की आय बढ़ाने के प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना होगा। गांव-गांव जाकर की जाएगी बुजुर्गों की जांच। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की जांच का दायरा न्याय पंचायत स्तर तक ले जाया जाएगा। बुजुर्गों की जांच को गांव-गांव तक जाने को कहा है। उपनल कर्मियों ने सीएम से लगाई गुहार। तो उपनल कर्मियों के आंदोलन को सोमवार को 50 दिन पूरे हो गए। सोमवार को आंदोलनरत कर्मियों ने फिर मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर आग से गिरा पेड़। तो जंगल की आग अब रायगढ़ों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। अल्मोड़ा नगर के बड़े हिस्से में पानी की आपूर्ति ठप। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट भी हर रोज गहराता जा रहा है। सोमवार को अल्मोड़ा नगर के बड़े हिस्से में पानी की आपूर्ति ठप हो गई।
दहेज हत्या में पति को 7 साल का कठोर कारावास। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, दहेज हत्या के मामले में अपर न्यायाधीश ने 7 साल की सजा सुनाई है। देहरादून से खबर आई है, तकनीकी कॉलेज में छात्रों में खूनी संघर्ष, 3 गिरफ्तार हुए हैं। तो UIT कॉलेज के छात्रों में युवती को लेकर उपजे विवाद के बाद खूनी संघर्ष हो गया। एक छात्र गुट ने कमरे में सो रहे छात्र पर सुबह तड़के रॉड से जानलेवा हमला कर गंभीर घायल कर दिया। पुलिस ने 3 छात्र गिरफ्तार किए हैं। प्रेमनगर SO धनराज बिश ने बताया कि प्रियांशु गोयल पुत्र वरुण गोयल निवासी रॉक स्टॉन बिल्डिंग माल रोड नियर पोस्ट ऑफिस मसूरी UIT कॉलेज का छात्र है। 10 अप्रैल की रात को कॉलेज के कुछ छात्र एक पार्टी में थे। इस दौरान प्रियांशु का कॉलेज में पढ़ने वाली BBA ब्रांच के कुछ छात्रों के बीच में युवती को लेकर विवाद हो गया। रमजान पर नाइट कर्फ्यू में ढील मांगी तो छूट के लिए CM से मिला आश्वासन। कक्षा 6 से 12 तक के छात्र ही आएंगे स्कूल। तो शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही शैक्षिक सत्र की तैयारियां शुरू कर ली है। फिलहाल 6 से 12 कक्षाओं के लिए ऑफलाइन सत्र शुरू होगा। फिर भड़की आग, एक दिन में 160 हेक्टेयर जंगल जले। तो देहरादून से खबर आई है, कोरोना दूसरी लहर की गिरफ्त में ज़्यादातर युवा। तो कोरोना महामारी के शुरुआती चरण में बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में 20 से 40 आयु के लोग सबसे अधिक संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मार्च से 11 अप्रैल के बीच संक्रमित हुए व्यक्तियों में करीब 45% युवा 20 से 39 साल के हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में फिर की जा सकती है कटौती। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार यदि इस महीने के अंत तक नहीं थमे तो स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में पिछले साल जैसी कटौती फिर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मचारी संक्रमित हुए। तो सुप्रीम कोर्ट के 44 कर्मी संक्रमित हो गए हैं। एहतियातन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी सुनवाई होंगी। कोरोना के दहशत के बीच बजट खर्च करना भी चुनौती। तो चुनावी साल में विकास कार्यों की तूफानी तेजी से करने के प्रदेश सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। COVID-19 महामारी के संक्रमण ने अब सरकारी दफ्तरों में दहशत पैदा कर दी है। शैक्षिक संस्थानों के प्रबंधकों और छात्रों से पूछताछ शुरू हो गई है। तो छात्रवृत्ति घोटाले की जाँच में SIT जुट गई है। सचिवालय में 4 अफसर संगत मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूलों के संबंध में आदेश जारी न होने से असमंजस। तो स्कूलों में 30 अप्रैल तक छुट्टी को लेकर कैबिनेट के फैसले के बावजूद विभागीय आदेश जारी न होने से शिक्षकों और छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश में सिर्फ 724 वेंटिलेटर। तो 1.25 करोड़ की आबादी पर सरकार एक साल के भीतर 724 वेंटिलेटर की व्यवस्था ही कर पाई है। वही खबर है, रुद्रपुर से शॉर्ट सर्किट से आग का गोला बनी सिटकुल की दुर्गा फाइबर कंपनी। घटना के समय 100 कर्मचारी कर रहे थे काम, सभी को सुरक्षित निकाला गया। बच्चे के इलाज के लिए भटकती रही महिला, तो रुड़की से खबर आई, सिविल अस्पताल में सोमवार को बच्चे का इलाज कराने पहुंची महिला। दिन भर भर्ती कराने के लिए भटकती रही, लेकिन डॉक्टरों ने कोई सूद नहीं ली। बाद में कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर से महिला के बच्चे को ऋषिकेश रेफर करवाया। माह के अंत तक स्कूलों में पहुंचेंगे प्रवेश पत्र। तो 4 मई से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद इन दिनों परीक्षाओं की तैयारियों में जुटा हुआ है। कोरोना का डर, कर्मियों की हड़ताल, मरीज हुए बेहाल। तो कोरोना महामारी की नई लहर के बीच उन्नल कर्मियों के हड़ताल पर रहने से शहर के सबसे बड़े सरकारी राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत विभिन्न अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। वहीं खबर आई है, रेलवे स्टेशन पर 5 और यात्री संक्रमित मिले हैं। तो रेल प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमित यात्री ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। चिड़ियाघर में कम हुई पर्यटकों की संख्या। तो कोरोना संक्रमण के चलते दून चिड़ियाघर में पर्यटकों की संख्या घटकर 1/3 हो गई है। टेरिटोरियल आर्मी के नाम पर फर्जीवाड़ा 5 पर केस दर्ज किया गया। ऋषिकेश में धू धू कर जली ठेलियां। तो ISBT रोड के समीप कुम्हारवाड़ा में बैंड बाजे की ठेलियों में आग लग गई। फायर सर्विस के वाहन ने कुचला। तो घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई।
बात करते जॉब रेट को लेकर के, तो असिस्टेंट इंजीनियर सहित कई पद रिक्त, तो जम्मू एंड कश्मीर लोक सेवा आयोग में भर्ती निकली हुई है, कुल 45 पदों पर भर्ती है। तो उसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अंतिम तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में फॉरेस्ट रेंजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग के पदों पर करें आवेदन, तो टीचिटी पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है, 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट सहित कई पद पर मौका, तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। वहीं खबर है गोपेश्वर से, पेट्रोल पंप पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा, तो रसोई गैस ट्रक और सड़क संकरी होने के कारण 1 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। खबर है बड़कोट से, बगीचे तक पहुंची जंगल की आग। हेमकुंड साहिब के आस्था पद से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया, तो 62 रेजिमेंट इंजीनियर कोर के 19 जवान बर्फ जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं खबर है इस बार 10 मई को खुलेंगे हेमकुंड के कपाट। 15 से गढ़वाल विश्वविद्यालय में सुबह 9:30 बजे से होगा काम, तो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन, कुलपति, सचिव, तीनों परिसर एवं उप कार्यालय देहरादून के सभी कार्यालय 15 अप्रैल से सुबह 9:30 बजे से खुले रहेंगे। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो आस्था के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। वहीं खबर है शाही स्नान के दिन रिकॉर्ड 563 कोरोना संक्रमित मिले, तो सोमवती अमावस्या और शाही स्नान के दिन हरिद्वार जिले में 563 कोविड संक्रमित मिले हैं। इस बार शटल सेवा की बसों ने दी राहत, तो 700 बसें सड़कों पर दौड़ी। हर की पेड़ी खाली ना होने से भड़के संत, तो धरने पर बैठे पंचायती अखाड़ा, बड़ा उदासीन ने शाही स्नान के बहिष्कार को की दे डाली चेतावनी। वहीं खबर है आचार्य महामंडलेश्वर की तबीयत बिगड़ी, तो शाही स्नान के दौरान किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तबीयत अचानक खराब हो गई। खबर है हरिद्वार से, आग लगने से कई झोपड़ियां जली, तो अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरिद्वार से खबर आई है, संदिग्ध हालत में फंदे पर लटका मिला युवक, तो प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने साड़ी का फंदा लगाकर पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो कैसा टीका उत्सव, जब नहीं लग रहा टीका तो बेस में टीके का टोटा होने से कुछ लोगों को निराश लौटना पड़ा। वहीं खबर है हल्द्वानी से, 3 दिन 5 घंटे गुल रहेगी बिजली। पेंगोलिन ले जा रहे 6 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, तो कार में एक बोरे में रखा था 26 किलो का पेंगोलिन। वहीं खबर है हल्द्वानी से, बुजुर्ग से 50,000 और महिला से मोबाइल लूटा गया है। दोस्तों को बुलाना तो कैसे कहें शादी में जरूर आना, तो विवाह कार्यक्रम के SOP जारी होते ही लोगों ने शर्तें नियम जानने के लिए फोन घनघनाए। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षाओं का विरोध, तो नन्ही परी सीमांत इंजीनियर कॉलेज में छात्रों ने परीक्षाएं न कराने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विभाग में एक छात्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 12 अन्य छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है, ऐसे में परीक्षाएँ कराना ठीक नहीं है। चंपावत में CDO और DFO सहित 12 लोग कोरोना संक्रमित मिले। नवरात्र के लिए फूलों से सजा मां पूर्णागिरी का मंदिर। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो आग का गोला बनी सिटकुल की दुर्गा फाइबर कंपनी, अफरा तफरी मच गई। गदरपुर से खबर है, आग से जली 12 एकड़ गेहूं की फसल, तो अज्ञात कारणों के चलते सोमवार को आग से 7 किसानों की करीब 12 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। स्कूलों में बिना अनुमति कार्यक्रम किए तो दर्ज होगा मुकदमा, तो DM ने जिले में राजकीय स्कूलों के परिसर में बिना अनुमति वैवाहिक, धार्मिक और अन्य निजी कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, तो सितारगंज से खबर आई है, बस की टक्कर से बाइक युवक की मौत हो गई, मृतक यूपी के खटीमा में काम के लिए जा रहा था। वहीं खबर है नानक माता से, 5 किशोरों समेत 21 नशेड़ी पकड़े गए हैं। कोरोना संक्रमण ने कारोबार को दिया झटका, तो रुद्रपुर से खबर आई है।